हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा, मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चंस कि व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या गोल्डन रूल्स होते हैं, क्या डेबिट क्रेडिट के रूल्स होते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपसे मोस्टली इंटरव्यू में, अगर आप फ्रेशर हैं और आप अकाउंट्स के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अकाउंटेंट के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाने वाला है। तो ये 11th 12th की अकाउंटिंग के एस्पेक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके एस्पेक्ट से भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, हमें रूल्स की ज़रूरत क्यों होती है? व्हाई डू वी नीड फॉर रूल्स? मतलब कि अकाउंटिंग में आप सब जानते हैं कि अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग होती है, तो हमें रूल्स की ज़रूरत क्यों होती है? टू पास जर्नल एंट्रीज इन अ सिस्टमैटिक मैनर वी रिक्वायर सर्टेन रूल्स विच आर कॉल्ड एज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। आप सभी जानते हैं कि अकाउंट्स में जो भी एंट्रीज पास होती है, जर्नल एंट्रीज होती है। अब उन जर्नल एंट्रीज को एक सिस्टमैटिक मैनर में पास करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जिनको हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। अब इन सारी चीज़ों से आपके माइंड में आ रहा होगा कि जर्नल एंट्रीज क्या होती है, जर्नल एंट्रीज का मतलब क्या होता है, क्यों हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए जर्नल एंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। जर्नल एंट्रीज होती क्या हैं? जर्नल एंट्रीज आर हाउ ट्रांजैक्शंस गेट रिकॉर्डेड ऑन योर कंपनीज बुक ऑन डेली बेसिस। एवरी ट्रांजैक्शन दैट गेट्स एंटर्ड इनटू योर जर्नल लेजर स्टार्ट्स विद अ जर्नल एंट्री दैट इंक्लूड्स द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, अमाउंट, अफेक्टेड अकाउंट्स एंड डिस्क्रिप्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जर्नल एंट्रीज जो आपकी होती हैं, या हम अकाउंट्स में जो भी एंट्रीज पास करते हैं, वो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के थ्रू करते हैं। मींस कि अगर आपने कोई एंट्री पास करी है तो वो दो अकाउंट्स को इफेक्ट करेगी। जर्नल एंट्रीज जो होती है आपकी, वो क्या होती है? वो ये होती हैं कि आपने जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करी हैं, लाइक डेली बेसिस पे आप अपनी कंपनी की बुक्स जो हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, तो हर ट्रांजेक्शन जो भी एंटर की जाती है जर्नल लेजर में, उसके अंदर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, अमाउंट क्या है, कौन कौन से अकाउंट उस पर अफेक्ट हो रहे हैं, और उस एंट्री का डिस्क्रिप्शन क्या है, तो ये सारा कुछ जर्नल एंट्रीज में आप रिकॉर्ड करते हैं। ये होती है जर्नल एंट्रीज। अब मान लीजिए आपने कोई चीज़ परचेज करी है, कोई सेल करी है, तो जर्नल एंट्रीज जो पास होंगी उससे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, उसके लिए हमें पढ़ने पड़ते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए वन बाय वन करके सीखते हैं। हम अगर अपने अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन करें तो हम अकाउंट्स को तीन पोर्शन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ योर पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज़ योर रियल अकाउंट एंड थर्ड इज़ योर नॉमिनल अकाउंट। इन्हीं तीनों अकाउंट्स के बेसिस पे हम अपने गोल्डन रूल्स को जो है डिसाइड करते हैं। उनसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि कौन कौन से अकाउंट जो है वो इफेक्ट होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट क्या होता है? दूज अकाउंट्स विच आर ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, कंपनीज, फर्म्स और ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज पर्सनल अकाउंट। ऐसे अकाउंट्स जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी इंडिविजुअल से रिलेटेड हैं, किसी भी कंपनी से रिलेटेड हैं, किसी भी फर्म से रिलेटेड हैं, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। अब हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, लाइक मैंने कहा ABC अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग अकाउंट, डेटर्स, सप्लायर्स, वेंडर्स एक्सेट्रा। जितने भी ऐसे अकाउंट होते हैं वो होते हैं पर्सनल अकाउंट। होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा व्हाट इज़ रियल अकाउंट? रियल अकाउंट क्या होता है? एनी काइंड ऑफ असेट्स विच इज़ ईदर टेंजिबल, फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड, स्टॉक, बिल्डिंग एसेट्रा, और इनटेंजिबल, फॉर एग्ज़ाम्पल गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स एसेट्रा, आर कैटेगराइज्ड इन टू रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होता है? किसी भी तरीके की असेट, असेट मतलब जो आप अपनी
कंपनी में चीज बनाते हैं, लाइक वो फर्नीचर हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, कैश हो सकता है, कुछ भी आपकी असेट्स होती हैं। असेट्स के बारे में अगर आपको डीपली जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं इस पर एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बनाऊँ कि क्या फिक्स्ड एसेट होती हैं, क्या करेंट असेट्स होती हैं। फिलहाल हम इस टॉपिक पे आगे पढ़ते हैं हम। एनी काइंड ऑफ असेट्स विच इज़ ईदर टेंजिबल, टेंजिबल असेट्स मतलब कि लैंड, स्टॉक, बिल्डिंग, ऐसी असेट्स जिसको हम टच कर सकते हैं या देख सकते हैं, ऐसी असेट्स, या इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि गुडविल, कॉपीराइट, जिसको हम देख नहीं सकते या टच नहीं कर सकते। ये जितने भी असेट्स हैं इनको कैटेगराइज किया जाता है रियल अकाउंट में। मतलब कि अगर आप बना रहे हैं मशीनरी अकाउंट तो मशीनरी अकाउंट इज़ योर रियल अकाउंट, अगर आप बना रहे हैं गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट इज़ योर रियल अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is nominal account? Nominal account क्या होता है? Those account which are associated with income, gain, losses or expenses are known as nominal account. At the end, remaining balances of nominal account are then posted to capital account. ऐसे accounts जो कि किसी भी income से related हैं, किसी भी gains या profit से related हैं, किसी भी लॉसेज या एक्सपेंसेस से रिलेटेड हैं, ये सारे अकाउंट होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट। और एट द एंड नॉमिनल अकाउंट का जितना भी बैलेंस होता है वो सारा पोस्ट कर दिया जाता है कैपिटल अकाउंट में। फॉर एग्जांपल स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, बैंक इंटरेस्ट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस और एनी इनकम्स, जितनी भी आपकी जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं या आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं, वो सारे आपके नॉमिनल अकाउंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे गोल्डन रूल्स क्या है अकाउंटिंग के, देखिए पर्सनल का गोल्डन रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जिसने लिया है उसको डेबिट कीजिए और जो दे रहा है, जिसने दिया है वो क्रेडिट होगा। पर्सनल अकाउंट ये रूल देता है हमें। रियल अकाउंट क्या रूल देता है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया है वो डेबिट होगा, जो गया है वो क्रेडिट होगा। एंड थर्ड इज़ योर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर आपका कोई एक्सपेंस या लॉस है तो वो डेबिट होगा। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, अगर आपकी कोई इनकम या गेन है तो वो क्रेडिट होंगी। होप आपको ये तीनों जो रूल्स हैं अच्छे से समझ आए होंगे। अभी हम इसको एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अकाउंट डेबिट होगा और क्या अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन अगर आपसे किसी भी इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन आता है कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, तो आप ये तीनों रूल्स उसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। लाइक डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के साथ इन तीनों पॉइंट्स को समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट में मैंने जैसे कि एग्जांपल इसमें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मिस्टर जेनिफर पेड 35,000 टू एबीसी लिमिटेड बाय चेक। मिस्टर जेनिफर ने 35,000 जो है एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चेक के थ्रू पे करे हैं। तो इसमें हमारे दो अकाउंट्स मैटर हो रहे हैं, एक तो आपका हो रहा है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एक आपका हो रहा है बैंक अकाउंट, मीन्स कि आपने बैंक के थ्रू पेमेंट करी है। तो क्या होगा, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जो है इसमें पर्सनल अकाउंट में काउंट होगा, तो ये रिसीवर हैं, इनको पैसा मिला है, तो डेबिट द रिसीवर, हमने इनको डेबिट करा है। और बैंक अकाउंट जहाँ से पैसा जा रहा है, जो पैसा दे रहा है, उसको हमने करा है क्रेडिट, दैट मीन्स क्रेडिट द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट का जो हमारा रूल होता है वो कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इस केस में जो बंदा पैसा ले रहा है उसको हमने डेबिट किया है और जो बंदा पैसा दे रहा है उसको हमने क्रेडिट किया है। तो चलिए नेक्स्ट की एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट में जैसे कि एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, मिस्टर जॉय परचेज फर्नीचर फॉर ऑफ रुपीज़ 55,000 फॉर कैश। मिस्टर जॉय ने फर्नीचर परचेज किया है 55,000 का कैश में। तो इसके अंदर हमारे दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, एक फर्नीचर अकाउंट मीन्स कि आपका असेट अकाउंट, और सेकेंड आपका अकाउंट है कैश अकाउंट। देखिए रियल अकाउंट में हमने बात करी थी असेट से रिलेटेड, तो यहाँ हमारी फर्नीचर जो है वो हमारी असेट्स है।
तो हमारा रूल क्या कहता है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो इस केस में हमारे पास फर्नीचर आ रहा है इसलिए हमने उसको डेबिट किया है, और इस केस में हमारे पास से कैश जा रहा है क्योंकि हमने परचेज किया है, मिस्टर जॉय ने परचेज किया, तो कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो उसको हमने क्रेडिट किया है। दैट मीन्स कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इससे हमारा रूल भी प्रूफ हो गया है यहाँ पे रियल अकाउंट का, लाइक डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा नॉमिनल अकाउंट का। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मिस जेनी परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 फॉर कैश। मिस जेनी ने गुड्स खरीदे हैं 20,000 के कैश में। तो इस केस में हमारे दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक परचेज अकाउंट एक कैश अकाउंट। अब 20,000 से ही इफेक्ट होंगे। परचेज अकाउंट में रूल क्या अप्लाई हो रहा है, मिस जेनी ने परचेज करा है गुड्स, तो क्या करा है उन्हें, एक्सपेंसेस करा है। इस केस में हमारा परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, जिसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्या किससे परचेज करा है, कैश से परचेज करा, तो कैश हमारा चला जाएगा। तो हमारा कैश क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रेडिट। अब इस केस में हमारा रूल जो है कैश के केस में हमारे पास रूल लग रहा है रियल अकाउंट का, जो कि कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब जो हमने नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल पढ़ा था उसके अंदर था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इस एग्जांपल में आपको ओनली समझ आ रहा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक एग्जांपल मैं आपको एक और देती हूँ जिससे कि आपको ये प्रूफ होगा कि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर इसी एंट्री को हम उल्टा कर दें, मिस जेनी ने परचेस की जगह सेल करे होते गुड्स, अगर उन्होंने सेल करे होते तो ये एंट्री जो है आपकी रिवर्स हो जाती, कैश अकाउंट डेबिट हो जाता और सेल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाता। सेल अकाउंट क्रेडिट होने का मतलब है कि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, उन्होंने सेल करा उनके पास पैसा आया। और कैश अकाउंट डेबिट हो जाता, दैट मीन्स कि डेबिट व्हाट कम्स इन, उसको डेबिट करो जो कि आया है, मतलब कि उन्होंने सेल करा और उनके पास कैश आया। तो इस एंट्री को आप रिवर्स कर देंगे तो आपके पास नॉमिनल अकाउंट के दोनों एग्जांपल आपको समझ आ जाएंगे। फिलहाल मैंने आपको एक ही यहाँ पे करके दिखाया है। तो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही अकाउंटिंग से रिलेटेड भी वीडियोस मिले हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।